जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के श्री क्षेत्र सिद्धांत तीर्थ नंदनवन धरियावद में परम पूज्य वात्सल निधि मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ससंग के 38वें पुण्य मंगल वर्षा योग के निमित्त 25 जुलाई 2024 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी एवं संहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी जैन के मार्गदर्शन व निर्देशन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के भक्ति आस्था से ओतप्रोत मनभावन दृश्यों को। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रत्न श्री 108 अजित सागर जी महाराज एवं परम पूज्य वात्सल्य वारिधि पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ससंग के 48वें पुण्य मंगल वर्षा योग हेतु 25 जुलाई 2024 को चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान प्रांत के श्री क्षेत्र सिद्धांत तीर्थ नंदनवन धरियावद में प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी एवं संहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य श्री हंसमुख जी जैन के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम भक्तों द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल देशना श्रवण करने के साथ हुई, जिसके अंतर्गत परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने भक्तों को धार्मिक ज्ञान के साथ ही जीवन उपयोगी संदेश दिए। जब पुरुषार्थ किया जाता है तो अच्छी आदतें बन जाया करती है, और जहाँ पर अच्छी आदतें होती हैं वहाँ पर काम भी अच्छा हुआ करता है। अभी हमारी अच्छी आदतें हैं, इसीलिए हम जो हैं देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर के बैठ जाते हैं। यदि बुरी आदत होती तो कहाँ रहते, होटलों में रहते या पार्टियों में रहते या गपशप करने में रहते। लेकिन हमारी आदतें अच्छी हैं, इसलिए आज जो है प्रतिदिन हम साधु संतों की चरण सन्निधि में आकर के बैठ जाते हैं और धर्म की दो बात हमें श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। तत्पश्चात प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी के संगीतमय भजनों की स्वर लहरियों से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय हो गया। अगली कड़ी में गुरु भक्तों ने मंगल दीपों से पूज्य गुरुदेव की आरती कर नाचते झूमते हुए गुरु भक्ति का आनंद लिया। सागर जी महाराज आज की आरती उतार
भक्ति के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं पूज्य गुरुदेव सत्संग ने जिनेन्द्र प्रभु को नमन वंदन किया। हे गुरुवर तुमको नित ध्याए, हे गुरुवर तुमको नित ध्याए, आपका दर्शन हम नित पाए, आपका दर्शन हम नित पाए, आपके श्री पावन चरणों में, आपके श्री पावन चरणों में। जी जी के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने ढोल नगाड़ों के बीच हाथों में धर्मध्वजा लेकर नाचते झूमते हुए गुरुदेव सत्संग सहित गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान जहां गुरुदेव ने नगर के विभिन्न मंदिरों में जाकर प्रभु को नमन वंदन किया, तो वहीं गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीष पाया।
यथास्थान पहुंचने के पश्चात पूज्य मुनि श्री ने जिनेन्द्र प्रभु को नमन वंदन कर अपना उच्चासन ग्रहण किया। घर के आगे दरवाजे पर मैंने जो कपुराया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में संगीत में स्वर लहरियों के मध्य उन्हें अभिवंदन किया। इसी क्रम में नृत्य के माध्यम से मंगलाचरण की मन भावन प्रस्तुति ने कार्यक्रम में भक्ति का रस खोल दिया। तदोपरांत पुण्यवान परिवार को दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल एवं अर्घ्य अर्पित कर गुरु भक्ति का आनंद लिया। ज्ञान ज्ञान अनुरागी है गुरुवर पुण्य सगर चरणों में शत शत नमन हमारी है। ओम रीम परम पूज्य वात्सल्य निधि चरयासवणि प्रज्ञासवण मुनिराज 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज साहब सकल संग चरण कमल पूजा अनर्क पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति। अगले क्रम में सौभाग्यशाली भक्तों ने मंदिर जी के शिखर पर धर्मध्वजा की स्थापना की और फिर गुरु भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया। मंदिर पे शिखर है बजा लहराए, मंदिर पे शिखर है लहराए, पुण्य सागर नाम रे जपो सुबह शाम रे, पुण्य सागर नाम रे शुभ शाम रे, आए गुरु चरणों में गुरु मंदिर पे शिखर है शिखर पे कलशा धर्म ध्वजा लहराए, ओ जिन भरे धर्म ध्वजा लहराए, नंदन वन के प्रभु वहाँ पे भी राजे धर्म ध्वजा लहराए, ओ जिन भरे धर्म ध्वजा लहराए, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे, लाल पीले रंगों से सजी नगरिया रे। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, पुण्य कमालो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के
पाद प्रक्षालन के बाद गुरु स्नेही भक्तों ने अपने हाथों से बनाई हुई पूज्य गुरुवर के चित्र को भेंट कर गुरुदेव के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मेरे गुरुदेव है, मेरे गुरुदेव है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। चित्र भेंट करने के उपरांत संहिता स्वरी प्रतिष्ठाचार्य श्री हंसमुख जी जैन ने अपने उद्गारों को प्रकट करते हुए प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी के साथ साथ अन्य श्रेष्ठियों का अभिनंदन किया। समाधि की साधना पूर्ण की थी, उसके बाद लगभग 20-22 वर्ष हो गए, ये क्षेत्र निरंतर विकास की ओर बढ़ा। जिस समय इस क्षेत्र की नींव रखी गई थी, उस समय परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के चरण भी यहाँ विराजे थे। अरिका विशुद्धमती माता जी की समाधि के समय जो सेवा और जो योगदान पूज्य श्री का था आचार्य श्री के साथ, वो बहुत ही महता योगदान था। समय समय बीतता गया और फिर मन हुआ कि 20 वर्ष हो गए हैं, किसी साधु का चौमासा विशुद्धमती माता जी के स्वर्गारोहण के बाद यहाँ नहीं हुआ। 5 वर्ष से जब आचार्य श्री आसाम में विराज रहे थे, उनसे प्रार्थना निवेदन किया था। वैसे धरियावत बहुत बड़ा कस्बा है और मैं भी धरियावत से जुड़ा हुआ हूँ, और उसका सबूत है कि आज का ये जन सैलाब मुझे लगा कि बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके धरियावत में ही चौमासा करा रहा है। मेरा भी मन यही था कि ये चौमासा धरियावत में होना चाहिए, लेकिन मेरी एक पीड़ा थी कि जिंदगी के 30 सालों में ईंट चूने का बहुत काम किया, बहुत सारे घर बनाए, तो ये भवन बनाना पाप का काम होता है, इसमें आरंभ के बहुत सारे दोष लगते हैं, हिंसाएं होती है, उससे मुक्ति कब मिलेगी। उससे मुक्ति पाने के लिए यही तरीका था कि कोई साधु एक बार यहाँ 4 महीने के लिए ठहर जाए और इस क्षेत्र पर साधना कर ले, ताकि मुझे उनकी सेवा करके और समाज को सेवा करके इस पाप से मुक्ति मिलेगी। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। इसी श्रृंखला में मंगल कलश प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली महानुभावों का आयोजन समिति ने तिलक माला आदि से आदर सत्कार किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके, हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब समय था परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनि श्रेष्ठ पुण्य सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने अपनी अमृत वाणी से सभी को कृतार्थ किया। महानुभाव,
जिस समय क्षेत्र का निर्माण हो रहा था उस समय जो है इस क्षेत्र में जो है एक नेवला घूमता था। आर्य का विशुद्ध मती माता जी ने कहा कि हसमुख ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है, ये लक्ष्मी का वाहन यहां पर घूम रहा है और जो है इस क्षेत्र की बहुत अभिवृद्धि होगी और आज जो है हम साक्षात अपनी आंखों से ये नंदन वन ये हिम वन जो है आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। जहां धर्यावत की समाज का जिन्हें सहयोग प्राप्त है और भी अन्य समाजों का सहयोग आसपास की समाज का सहयोग जहां जिन्हें प्राप्त है, क्योंकि पंडित जी अकेले लेकिन जब समाज का सहयोग मिलता है तो वहां पर क्या नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी समाज तो अर्थ का सहयोग कर देती है, लेकिन फिर भी पंडित जी ने अपने जीवन में सबसे बड़ा आदर्श उपस्थित किया कि प्रतिष्ठा के निमित्त से जो राशि मिला करती थी वो राशि जो है इस क्षेत्र में लगाया और आज जो है इस क्षेत्र का विकास किया। जहां आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का तो वर्तमान में निरंतर आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिल रहा है, आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज 21 साल के बाद जो है ये पहला चातुर्मास अपने नंदनवन की धरती पर आज प्रतिष्ठाचार्य जी अपने जीवन में करा रहे हैं। अब ये पूरे 21 साल की कसर इन्होंने आज इस चातुर्मास में जो है वो निकाल लिए। पारसोला भी जाना है चातुर्मास के बीच काल में, क्योंकि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारुण शताब्दी महोत्सव समारोह आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में 13, 14, 15 अक्टूबर को वहां पर उसका शुभारंभ किया जाएगा। इसलिए हम भी वहां पर पहुंचेंगे और सारी समाज को पहुंचना है, क्योंकि एक महामना आचार्य भगवंत ने हमारे जीवन में इस मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार किया, बहुत बड़ा उपकार किया, हमें जो है अपने जीवन में दान के संस्कार दिए, पूजा के संस्कार दिए, स्वाध्याय के संस्कार दिए, तप के संस्कार दिए, ये सब संस्कार आचार्य शांति सागर महाराज की देन है। उन महापुरुषों का स्मरण करने के लिए, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए हम सारे लोग जो हैं, सारे बागड़ मेवाड़ जितनी भी हैं, वो सब पारसोला की धरती पर पहुंचेंगे और आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अपनी भावांजलि विनयांजलि ये समर्पित करेंगे। दूर दराज से आज जो है सारे भक्तगण यहाँ पर पहुँचे हैं, गुवाहाटी आसाम से, बंगाल से, झारखंड से और जो है मध्य प्रदेश से, दूर दराज से जो है आज ये यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत भक्त लोग यहाँ पर आ भी नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे विजय कुमार जी चुड़ीवाल गुवाहाटी परिवार, जिन्होंने अपने जीवन में इस मंगलमय कलश का सौभाग्य अपने जीवन में प्राप्त किया है, वो ऐसे शख्स हैं कि जहां पर भी संघ पहुंचता है संघ के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते हैं। वे जब जब भी बिना दीदी से बात करते हैं कि दीदी आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, महाराज श्री को बोल देना आपको किसी प्रकार के टेंशन नहीं करना, मैं बैठा हूं तब तक आपकी सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती चली जाएगी। आज उन्होंने ये मंगल कलश का सौभाग्य प्राप्त किया और जब कलश का सौभाग्य जो है हमारे अनन्य भक्त वो भी आज एक बहुत बड़े संघर्ष अपने जीवन के अंदर झेल रहे हैं, जो कि डॉक्टर होते हुए भी लेकिन उन्होंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और जो है उन्होंने कहा दीदी से कि जो है दीदी आपको कोई टेंशन नहीं करना, जब तक मेरा जीवन है, जब तक मेरी श्वास है, तब तक जो है मैं पुण्य सागर महाराज को निरंतर अपना सहयोग प्रदान करता रहूंगा और जो है अपनी लक्ष्मी को सफल करता रहूंगा। जहां हमारे गुवाहाटी पंचायत के अध्यक्ष श्री महावीर कुमार जी गंगवाल ने भी जो है यहां पर अपना सहयोग प्रदान किया है और उन्होंने सन 2016 में भगवान नेमिनाथ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा अपने संघ के सानिध्य में करा करके बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना की थी। वहीं पर हमारे कमल जी गंगवाल हाथी गोला ये पीछे नहीं है, ये जब हम गुवाहाटी में पहुंचे
तो केवल चाय पीते थे, हाथ तो जोड़ते थे और बाहर निकल जाते थे। लेकिन 2017 से ऐसे जुड़े, ऐसे जुड़े कि आज तक जो है वे अपने गुरु की भक्ति करने में सतत संलग्न है। जहां हमारे सुधीर कुमार जी सेठी, वे भी जो हैं आज पीछे नहीं हैं। जब से उनकी दादी की समाधि कराई सन 2018 से 19 से लेकर के आज तक जो हैं वे अपने संघ से जुड़े हुए हैं और संघ की पुण्य सेवा का लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। वहीं हमारे प्रवीण कुमार जी चुड़ीवाल, ये भी पिछले वर्ष इन्होंने अपने जीवन में साधु संतों का चातुर्मास सोनागिरी के अंदर कराया। ये आरिका सुपार्श्वती माता जी के भतीजे हैं और जो हैं ये भी निरंतर यहाँ पर संघ की सेवा में अपना योगदान देते हैं। हमारे किशोर जी, हमारे अजित भाई छाबड़ा, ये हमारे मागत देव हैं। ये प्रचार प्रसार मंत्री हैं। आपके पास में जितना व्हाट्सएप पहुंच रहा है संघ का, ये इन्हीं की बदौलत से जो है आज सारे देश को खबर मिल रही है कि पुण्य सागर जी महाराज कहाँ भीषण कर रहे हैं और कहाँ पर जो है उनका कार्यक्रम है। ये सारा सूचना देने वाले ये अजित भाई हैं, जो कि इनको अपने जीवन में नया जीवन मिला। सोनागिरी में अटैक आ गया था, हमारे कमल जी गंगवाल को कलकत्ता में यहाँ से कार्यक्रम करके गए और कलकत्ता में अटैक आ गया और जो है अजित भाई को सोनागिरी में पहाड़ चढ़ते चढ़ते अटैक आ गया। लेकिन दोनों ने ही गुरु का आशीर्वाद मिला तो आज अपने बीच में दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। जहां हमारे संघ में आरिका स्वर्णवती माता जी, जो बूढ़ी माता जी हैं, उनके सुपुत्र हमारे मनीष भैया, जो कि अपनी माँ की सेवा में तत्पर रहते हैं और संघ की सेवा में भी तत्पर रहते हैं, समय समय पर जो है ये यहाँ पर आकर के जो है अपने जीवन में वैयावृत्ति करके पुण्य का लाभ प्राप्त करते हैं। और जहाँ हमारे बारसोई के श्रीमान पद्म कुमार जी, बबीता देवी पांड्या, ये भी जो है जब से हमने सन 2014 से बारसोई में चातुर्मास किया तब से लेकर आज तक निरंतर जो है ये संघ के साथ में जुड़े रहे और जो है वे भी समय समय पर जो है पहुंच करके अपने जीवन में पुण्य का संपादन किया करते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने आज यहाँ पर कलश प्राप्त किए हैं। उन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सेवाएं अपने संघ में दी और आज भी जो है वे सेवाएं दे रहे हैं। इस प्रकार से जो है सारे भक्त जो है अपने जीवन में गुरु की सेवा करके अपने पुण्य का संपादन करते हैं। प्रवचन के उपरांत बालिकाओं की भक्ति नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने स्वयं अपने कर कमलों से सौभाग्यशाली परिवारों को स्थापना हेतु मंगल कलश प्रदान किए, जिसके बाद सभी ने यथास्थान मंगल कलश स्थापित कर अपने जीवन का परम सौभाग्य प्राप्त किया। नवकार इसके जपने से होता है भव पार। पांच पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर। पांच पदों के 35 अक्षर भव भव के काटे चक्कर। इसमें गर्भित है सारा आगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलं मंत्र नवकार इसके जपने से होता है भव पार। प्रासुक जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन। भक्तों ने प्रभु के आंगन प्रासुक जल से भरे हुए घट। फूलों से है इन्हें सजाया, श्रीफल इन पर है शोभित। कल्याणक के इस उत्तर
सब में करते हैं सबको मोहित, करते हैं सबको मोहित। धर्म के सागर भरी ये गागर लगती कैसी मन भावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। प्रासुक जल से भरे हुए घट माँ बहने इन सर पर रखकर। कार्यक्रम के समापन पर महानुभावों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज जी का मंगल प्रवेश हुआ और बड़े आनंद और उत्साह के साथ चातुर्मास यहाँ संपन्न हो रहा है। पूरे देश से पूरी समाज यहाँ जुड़ रही है। दरियावत समाज इस सारी व्यवस्था का आयोजन कर रही है और बड़े आनंद से चौमासा यहाँ संपन्न होगा। नंदनवन नवोदित तीर्थ है, यहाँ विशुद्धमती माता जी का समाधि स्थल है और उनकी साधना से पहले पवित्र हुआ है। इस स्थल पर आज पूरे देश से लोग जुड़ करके चातुर्मास कलश की स्थापना कर रहे हैं और पूज्य श्री का आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरा देश से मेरा निवेदन है कि वे यहाँ पहुँच करके धर्म की लाभ लें। इस वर्ष 2024 का चतुर्मास दरियावत नंदनवन सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर परम पूज्य आरिका गणनी श्री विशुद्धमती माता जी ने इस स्थान को, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये नंदनवन के नाम से जाना जाता है, पूरे देश में विख्यात है। और इस धरती पर आरिका विशुद्धमती माता जी ने 12 साल की उत्कृष्ट समाधि को लेकर के अंतिम नश्वर देह का त्याग किया था। 21 वर्ष पूर्व उनकी समाधि इस धरती पर हुई थी। उस समाधि की साधना से उन्होंने इस भूमि को अत्यंत पवित्र किया था। पुण्य सागर जी ने जहाँ जहाँ भी गए हैं मुनिश्री, वहाँ वहाँ धर्म की बहुत प्रभावना की है। हम गुवाहाटी से हैं और आज 2017 से उनकी सेवा में लगे हुए हैं और आज हम यहाँ नंदनवन में आज चतुर्मास के स्थापना के साक्षी बने हैं। यहाँ की जो समाज है, दरियावत समाज है या नंदनवन समाज है, बहुत जोर से है उसमें। और मेरे ख्याल से ये चतुर्मास एक ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक होगा ये, और हम इसकी सबको शुभकामना देते हैं, समाज को, श्री समाज को। और यहाँ जो पंडित जी हसमुख जी ने जो नंदनवन में व्यवस्था की है वो भी अभूतपूर्व है। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य वात्सल्य निधि मुनिश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ससंग के 38वें पुण्य मंगल वर्षा योग के निमित्त आयोजित चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह की पावन झलकियों का अवलोकन किया। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम राजस्थान के श्री क्षेत्र सिद्धांत तीर्थ नंदनवन धरियावत में प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी एवं संहिता सूरी प्रतिष्ठाचार्य श्री हसमुख जी जैन के मार्गदर्शन व निर्देशन में 25 जुलाई 2024 को आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने पूज्य गुरुवर की भक्ति करने के साथ ही मंगल कलशों को स्थापित करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।